एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर ना मैं पहले साड़ी में फॉल लगा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि गर्मियों में जो है पर्दे कैसे लगाने चाहिए और किस कपड़े में लगाने चाहिए, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हल्की है और इसका जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसी तरह की जो है साड़ियाँ पहनती हूँ। तो आपको फटाफट से कैसे साड़ी में फॉल लगानी है, एक साइड से तो आपको जो है सिलाई मशीन से लगा लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक साइड से सिलाई मशीन से लगा ली है, नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से। वैसे तो कच्चा भी करके हम जो है तुरपाई के जैसे भी फॉल लगा सकते हैं। बाकी मुझे आती है लगानी, तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर जो है कच्चा नहीं किया। एक साइड से मैं पैर से दबा लेती हूँ और आगे की साइड से हाथ से दबा के मैं जो है टाका लगाती रहती हूँ। तो मैं 15 मिनट में मेरी जो है फॉल लग के रेडी हो जाती है। और ये जो है इसमें साड़ी में कुछ ब्लैक है, कुछ ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो कई कलर इसमें मिक्स हैं। और इसका ब्लाउज मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ब्लैक कलर का ब्लाउज है, तो वो अच्छा मैच हो जाएगा इसमें। और बाकी इस साड़ी का ना ब्लाउज जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं बनाना, बिकॉज थोड़ी सी मुझे ये होता है ना कि पहनने के बाद ना थोड़ी सी इचिंग होएगी मुझे, इस टाइप से मुझे लग रहा है। वो उसका थोड़ा सा फैब्रिक ऐसा है और जो ब्लाउज का कपड़ा है ना सेम उसी के जैसी टेपिंग इसके जो है साइड में हो रखी है, पतला पतला सा जो है इस पर लेस की टाइप से या बॉर्डर की टाइप से लगाया हुआ है। तो साड़ी का ब्लाउज भी पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर ब्लू कलर का पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और इसके बाद मुझे लगाने हैं घर में कर्टेन, क्योंकि जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से सीज़न चेंज हो गया, तो कर्टेन भी चेंज करने हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो फ़िलहाल मैं और मायरू लगे हैं यहाँ पे जो है घर का लुक चेंज करने। तो हम दोनों नहीं, मायरा मेरे साथ होती है, बाकी मैं जो है घर का लुक चेंज करने में लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है घर की जो है नया लुक देना और उस लुक को एंजॉय करना। तो यहाँ पर ना मुझे टेबल जो है लेनी पड़ी, बाकी हाइट मेरी ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ी सी हाइट और दे देनी चाहिए थी। हाइट जितनी भी है मेरी लेकिन काम नहीं आती है, और कहीं ना कहीं मुझे टेबल लेनी पड़ती है, या फिर छोटी टेबल, बड़ी टेबल, या फिर सीढ़ी, तो इन सब की मुझे हेल्प लेनी ही पड़ती है। हाइट का कोई ऐसा यूज़ मैं काम नहीं लेती, बाकी मेरी हाइट जो है अच्छी खासी है। और मायरा यहाँ मेरे साथ साथ लगी है। तो ये कर्टेन जब मैंने ऑर्डर किए थे, मतलब मैं मार्केट में जाकर इनको ऑर्डर करके आई थी, तो इनको मैं जो है 9 फीट के मैं बोल के आई थी, लेकिन थोड़ा सा ये है जो इनकी लेंथ है थोड़ी बड़ी सी है, लेकिन उतने नीचे पर्दे नहीं होने चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचे भी पर्दे नहीं होने चाहिए। और जब भी विंडो या फिर दरवाजे के ऊपर हम पर्दे की रोड लगवाते हैं ना, तो वो एकदम ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर छत से के लगा के होनी चाहिए और नीचे तक पर्दे होने चाहिए। और यहाँ ना साथ साथ मैं पर्दे भी धो रही हूँ, और पर्दे धोने की भी ये एक ट्रिक है कि पर्दों को कैसे धोना चाहिए कि उनकी रिंग्स ख़राब ना हो। तो उनकी रिंग्स ख़राब ना हो ना, उसके लिए पर्दों के जो रिंग है वो सारी या तो एक डंडी में डाल के और मशीन के दोनों साइड रख देना चाहिए, तो पर्दे नीचे नीचे के आराम से धुल जाते हैं। ऊपर के पर्दे गंदे भी नहीं होते हैं, बाकी उनको एक बार पानी में निकाल लो, अच्छे से वॉश कर लो, तो वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं जो है पर्दे अपने धोती हूँ। बाकी मेरे पर्दे वैसे ख़राब नहीं होते, इनकी रिंग भी नहीं निकलती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो दो पर्दे मैंने यहाँ लगाए थे, और ये पर्दे यहाँ पर भी इनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने इनको उतार के जो है छोटी नहीं करी, मैंने टेबल पे ही मशीन रखी, और इनकी जितनी हाइट मुझे रखनी थी, फ्लोर लेंथ मुझे हाइट रखनी थी, बिल्कुल ज़्यादा छोटे मुझे नहीं अच्छे लगते, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे
लटके हुए उतने भी अच्छे ये नहीं लगते। तो जितनी हाइट कम करनी थी उतनी मैंने कर दी है। और यहाँ पे थोड़े से थोड़ा मोटा फैब्रिक मैंने लिया है और कलर गर्मियों के हिसाब से लाइट कलर ही मैंने लिए हैं, क्योंकि अभी सारे जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ना घर में वो सारे डार्क कलर है, जो कि गर्मियों में ना चुभते हैं आइज़ में, अच्छे नहीं लगते, मुझे नहीं अच्छे लगते, इसीलिए वैसे भी नहीं अच्छे लगते। तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा ही निकल लिया है और जैसे अभी पर्दे आपको ये दिख रहे हैं तो बाहर से सनलाइट भी आती है, तो कुछ पर्दों में तो मैंने लाइनिंग लगवा ली थी और कुछ में मैंने लाइनिंग नहीं लगवाई थी, शायद वो लगाना भूल गए, मैंने बोला था वो लगाना भूल गए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्दों में अपने आप से लाइनिंग लगाई है और कोई मैं कपड़ा बाहर से नहीं लेके आई थी। मेरे पास कॉटन की साड़ी थी तो वो कॉटन की साड़ी मैंने पर्दे के पीछे यूज़ कर ली है, तो डबल फैब्रिक हो गया है। और ये जो मैं आपको कर्टेन अभी मैं जो लगा रही हूँ इनमें मैंने कोई लाइनिंग या फिर घर पे भी नहीं लगाया, क्योंकि ये इनका फैब्रिक ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी हैं, और इनका डिज़ाइन ना कुछ इस तरीके से है कि इनको हमें ऐसे नहीं है कि ऐसे ही लगा लेंगे, एक आधा इन पे डिज़ाइन है आधा प्लेन है, सारे पर्दे ऐसे ही हैं और इनको हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या एक साइड प्लेन एक साइड डिज़ाइन ऐसे भी कर सकते हैं, या बीच में डिज़ाइन करके बाहर की साइड प्लेन कर देंगे दोनों साइड, या फिर प्लेन साइड अंदर करके और बाहर की साइड डिज़ाइन हो जाएगा, इस तरीके से इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना जो इनकी डिज़ाइन वाली साइड है वो बाहर की साइड ही करनी है, तो इनको मैं लगा के देख रही थी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको मिक्स मैच करने में, और मायरू मेरे साथ रहती ही है हमेशा मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिज़ाइन है जो वो बाहर की साइड मैंने किया है और जो प्लेन साइड है वो मैंने अंदर की साइड ले ली है, और जब इनको मैं अगली बार लगाऊंगी ना तब मैं प्लेन साइड बाहर कर दूंगी और जो डिज़ाइन वाली डिज़ाइन है उसको मैं अंदर की साइड कर दूंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है लुक चेंज करते रहो, काफ़ी अच्छा लगता है घर में। और इस बार हस्बैंड को भी जो है ये कर्टेन बड़े ही क्लासी लगे, बड़े ही पसंद आए, क्योंकि मैं जो है ऑर्डर दे के आई थी ना ये साथ में, तो वो भी गए थे लेकिन पसंद मैंने की थी इस बार कि गर्मियों के हिसाब से ही ले लेते हैं कलर, और लाइट कलर लेंगे तो वो अच्छा लगेगा। बाकी पर्दे तो कोई भी लगाओ घर में अच्छे ही लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो और ये इस तरीके का लुक आया है इनका, और ये कैमरे में थोड़ा सा जो है डल लग रहा है कलर, बाकी इनका लुक काफ़ी अच्छा आया है। और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।